मम्मी जी जल्दी चल लो, आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है। अरे कोमल तू यहाँ? हाय कैसा है तू, बड़े दिनों बाद मिला। अरे मैं बढ़िया हूँ, वो क्या है ना काम के सिलसिले से थोड़ा बाहर रहना पड़ता है। अच्छा वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो बस शॉपिंग करके आ रही हूँ तो वहीं से लौट रही थी। अच्छा ये कौन है? ये मेरे घर की नौकरानी है। वो क्या है ना आजकल काम का प्रेशर ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है और तुझे तो पता ही है कंफर्ट जोन नाम की भी कोई चीज होती है, तो बस इसीलिए से काम पर रख लिया। अरे वाह सही है। अच्छा वैसे मैं भी एक नौकरानी तलाश कर रहा था, वैसे कितने रुपए देती है इस बुढ़िया को? इसको देखकर लगता है कि इसकी कोई सैलरी भी होगी, दो वक्त का खाना दे देते हैं और बस काम करवा लेते हैं। वैसे भी इसकी उम्र देखकर तो कोई इसे काम पर रखेगा नहीं। अरे वाह तुम्हारा बढ़िया है, फ्री में नौकरानी मिल गई। हाँ यार खैर ये सब छोड़, तुझे पता है आज ना मैं पूरे 2 लाख रुपए हार गई जुए में। क्या 2 लाख रुपए हार गई? सच में हार गई? हाँ सच में हार गई। अरे अगर ये बात तेरे पति को पता चल गई तो? अगर पति को पता चल गई तो ऑफ कोर्स ही बात है ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसे बताएगा कौन? इस बुढ़िया ने बता दिया तो? अगर इसने बता दिया तो उसके हाथ पैर नहीं तोड़ दूंगी मैं। चल ठीक है मैं चलता हूँ, कुछ थोड़ा सा काम है। ठीक है बहु, तूने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? अरे तूने अपने दोस्तों के सामने मुझे काम वाली बोला, मैं तो तेरी सास हूँ ना। अच्छा तो वो अपने बेटे के सामने मेरी चुगलियाँ कर रही हो। सुनो मैंने तुम्हारी माँ को अपने दोस्तों के आगे नौकरानी बोला, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? और मैंने तुम्हें नौकरानी इसीलिए बोला क्योंकि अगर मेरे किसी भी दोस्त को ये पता लग जाएगा ना कि तुम जैसी जाहिल गवार मेरी सास है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और अपनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ सही तो कह रही है, ये इतने बड़े घर से आई है और इसको भी तो अपना लेवल मेंटेन करना है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं क्या मेरे हिसाब से? अरे क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ ना। बहू भले ही मैं तेरी सास हूँ पर हूँ तो माँ जैसी ही ना बेटा, और तू मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है। बहू जो भी तू कर रही है ना बेटा वो सही नहीं कर रही है। अबे ओ बुढ़िया चुप, बहुत हो गया, गलती तो मैंने एक और कर रखी है। जिस दिन इस घर में आई थी ना उसी दिन तुझे वृद्धाश्रम भिजवा देना चाहिए था। अब यहाँ बैठ के ना ज्यादा ड्रामे मत कर, घर के 50 काम पड़े वो जाके निपटा। मम्मी जी एक कप चाय बना दो यार जरा। मम्मी जी मम्मी जी, अरे यार कहाँ चली गई बुढ़िया, अब इसको ढूंढो। तुमने देखा अपनी माँ को, कहाँ चली गई वो? मैं बाहर से आया हूँ, यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, माँ कहाँ है? का भी ना ये क्या है? और कर लो माँ को परेशान, चल गई ना घर छोड़ के, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। देखो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी माँ में, वो कहाँ गई है कहाँ नहीं, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि अब नई नौकरानी कहाँ से ढूंढूंगी। अरे घर के 1000 काम होते हैं मैं क्या करूंगी? वो 1000 काम ना तुम करोगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमसे शादी करके इस घर में इसलिए नहीं आई थी कि यहाँ के सारे काम करूंगी, समझे? तुमने रायता फुलाया ना, समेटोगे भी तुम। देखो तुम्हें जो करना है वो करो, बस कहीं से भी नौकरानी ढूंढ कर लाओ वरना आज रात ना भूखा सोना पड़ेगा। जाओ अब। तुमसे बकवास ही नहीं करनी मैंने। माँ जी ये लीजिए बिस्किट। हाँ बेटा दे दे, भूख तो बहुत तेज की लगी हुई है। माँ जी अगर भूख लग रही है तो एक और लीजिए ना। धन्यवाद बेटा। माँ जी धन्यवाद की कोई बात नहीं, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। माँ जी धूप बहुत तेज हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आप इस कड़ी धूप में इस पार्क में क्या कर रही है? एक बैग अपने साथ लिए हुए?
बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे बेटे और बहू की हरकतों की वजह से मुझे अपना इतना प्यारा घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस घर के अंदर उन दोनों ने मुझे नौकरानी बना के रखा था। मेरी बहू दिन रात मुझसे काम करवाती रहती थी, जानवरों की तरह व्यवहार करती थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। माँ जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ चले, आप मेरे घर में रहिएगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आपको हमेशा खुश रखूंगा। अरे बेटा, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। माँ जी, मैं भी अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, और आपने घर अपने बच्चों की वजह से छोड़ा है, तो आपको एक बच्चा मिल जाएगा और मुझे माँ के रूप में आप मिल जाएंगी। माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लाने की कोशिश करूँगा। माँ जी, प्लीज़ चलिए ना मेरे घर मेरे साथ। एक मेरा बेटा था जिसने कभी माँ की कदर ही नहीं समझी, नौकरानी बना के छोड़ दिया, और एक बेटा तुम हो जो मुझे इतनी इज्जत और प्यार दे रहे हो। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दीजिए माँ जी, बैग मेरे को दे दीजिए, आप चलिए। और बच्चों, कैसे हो आप लोग? माँ जी, ये मेरा छोटा सा घर है, यहाँ पे कुछ अनाथ और विकलांग बच्चे रहते हैं। अभी तक तो इनका ख्याल मैं अपने हिसाब से रख लेता था, लेकिन आज के बाद आप इनका ख्याल रखेंगी एक माँ की तरह, इसी बहाने इनके सर के ऊपर भी माँ का हाथ आ जाएगा। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, मैं तो पागल थी, उस बेटे के पीछे रोती थी जिसने कभी मेरी कदर ही नहीं करी, और देखो भगवान ने आज मेरे को इतने सारे बच्चे दे दिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, भगवान जो करते हैं ना हमेशा अच्छे के लिए करते हैं, और आज से बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें माँ की तरह पालूंगी। बेटा, मैं बच्चों के साथ बैठ के इनके साथ बातचीत करती हूँ। जी माँ जी। मेरे बच्चों, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगी, मैं तुम सबको अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। अरे वाह, क्या हुआ? अरे जो हमारे गांव वाली जमीन है ना, उसके ऊपर से हाईवे जाएगा, मतलब हमें सरकार की तरफ से बहुत सारा मुनाफा मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, अब फाइनली हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। थैंक यू भगवान जी, अब फाइनली हम भी करोड़पति बन जाएंगे। अरे तुम भूल गई क्या, वो जब भी माँ के नाम पर है, वो माँ हमारे साथ है नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ जाके अपनी माँ को ढूंढो। अरे कम से कम जाते जाते कुछ हमारा भला तो कर जाए, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन अपनी माँ को ढूंढ के लाओ, वरना हमारा मोटा नुकसान हो जाएगा। जा रहा हूँ ढूंढने। जाओ। अरे यार, पता नहीं माँ कहाँ चली गई, इतना ढूंढ लिया और कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। वहाँ देखो। अरे माँ यहाँ पे क्या कर रही है? चलो अच्छा है, मैंने तो रंग लाई, माँ मिल गई, अब इनसे प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करा लूँगा और फिर वापसी यही छोड़ दूँगा। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको पता है मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन है तू? मैं तो तुझे नहीं जानती हूँ। माँ ये कैसी बात कर रहे हो, मैं आपका बेटा हूँ। माँ जी, ये कौन है जो आपको मामा बोल रहे हैं? शेखर बेटा, ये वही बेटा है जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ के आना पड़ा था, मैंने तुझे बताई थी ना सारी बात। क्या ये वही है? भाई साहब सच कहूँ तो बहुत बदनसीब है आप, जिन्होंने माँ के होते हुए माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया। भाई साहब बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके सर के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है। माँ बाप का हाथ जब सर के ऊपर होता है ना, तो इंसान खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। थका हारा इंसान जब कभी मायूसी के साथ घर लौटता है ना, तब माँ बाप को देख लेता है, माँ बाप से थोड़ी बातें कर लेता है ना, तो उसकी सारी की सारी मायूसी दूर हो जाती है। और माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे तक तो किसी दुख दर्द को पहुँचने ही नहीं देते। अगर बच्चा मायूस होता है ना,
तो माँ बाप ही वो होते हैं जो बच्चे की मुस्कान में भी उसकी मायूसी अगर हो तो उस मायूसी को ढूंढ लेते हैं। पर भाई साहब कहते हैं ना, कुछ लोगों को सच में हीरे की कद्र होती नहीं, वो पत्थर मिलने के चक्कर में हीरा गंवा देते हैं। और मुझे कहते हैं बड़ा अफसोस हो रहा है कि सच में आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। देखिए माँ जी, मैंने आपके बच्चे को उल्टा सीधा बोला, आप प्लीज़ इस बात का बुरा ना मनाइएगा, और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ये आपका बच्चा है, आप इनके साथ जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। शेखर बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके पास जाऊंगी, जिसने अपनी माँ को इतना टॉर्चर किया, इतना काम करवाता था, ये मेरे साथ तो जानवर जैसा सलूक करता था ये। नहीं बेटा, देख मुझे बेटा चाहिए था ना, अब से तू ही मेरा बेटा है। माँ बस बहुत सुना लिया आप लोगों ने मुझको, अगर आपको नहीं आना मत आओ, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर तो साइन कर दो कम से कम। कैसे इंसान हो यार आप, पैसा पैसा माँ बाप से बड़ा हो गया क्या? अरे दुनिया की सारी दौलत भी रख दी जाए ना तो माँ बाप से बड़ी नहीं हो सकती। माँ बाप का वैसे भी पैसा नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए होता है। अगर माँ बाप का आशीर्वाद सर पे हो ना तो औलाद जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकती है, तरक्की हासिल कर सकती है। लेकिन आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, आपको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब माँ जी आपके साथ जाना चाहेंगी भी ना, तब भी मैं माँ जी को आपके साथ कभी नहीं भेजूंगा। इससे पहले कि मैं आपसे उल्टा सीधा बोलूं या आपके ऊपर मेरा हाथ उठ जाए, प्लीज निकल जाए यहाँ से। अब खड़ा क्या है यहाँ पे, निकल यहाँ से, इसका हाथ उठे ना उठे अब मेरा हाथ उठ जाएगा, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज है। आप लोगों का जो भी जवाब होगा वो जरूर बताइएगा मुझे, आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करते ही नहीं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। माँ बाप वो होते हैं जो औलाद के होने के बाद खुद के सुखों का त्याग कर देते हैं और औलाद के लिए जीते हैं, खुद की ख्वाहिशें मार देते हैं औलाद की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में। लेकिन जब वो औलाद उन्हें घर से निकाल देती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, और माँ बाप को तकलीफ पहुंचा के कभी भी किसी भी बच्चे का भला हो ही नहीं सकता। जो बच्चा माँ बाप को खुश रखता है, ऊपर वाला उसकी खुशियों के रास्ते खोल देता है, उसकी खुशियों की वजहें बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।